देखो एबीपी सांझा टाटा स्काई चैनल नंबर 1929 पे। नौवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिहाड़ा मनाया गया। इस मौके संगत गुरु घर नतमस्तक हुई है ते नाल ही पटना साहब के जथेदार ज्ञानी रणजीत सिंह ने संदेश दिता है। ठीकर फोर दलीस सिर प्रभपुर किया प्यान, तेग बहादुर सी क्रिया करी न किनहुआन। अज तन 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 गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी का 346 साल पावन पवित्र लासानी मनुखता दी रखवाली धर्म दी रखवाली लई महान बलिदान दिवस है। अज दे दिन 11 नवंबर 1675 दिन वीरवार नूं आप जी ने अपने प्यारे सिख भाई मती दास जी, भाई सती दास जी ते भाई दयाला जी समेत अपना बलिदान भारत दी बलिवेदी ते भेट कीता। आप ने धर्म दी राखी करदिया होया ये महान लासानी बलिदान दिता। औरंगजेब दे जुल्मी सैलाब विच हिंदू मत दा जनेऊ ते तिलक रुड़दा जा रहा सी। पंडित कृपा राम दी अगवाई विच मटन ग्राम कश्मीर दे रहण वाले महान दार्शनिक और धर्म संबंधी जुड़े हुए हिरदे रखण वाले पंडित कृपा राम दी अगवाई च पहुँचे। ये भी नहीं कहा थोड़ी उम्र छोटी है, परिवर्श किवें होवेगी। बस बच्चे दे 9 साल दी अवस्था दे उन्होंने बोल सुने अपने सपुत्र दे और सीस देण लई तैयार हो गए। सतगुरु जी दे सीस सदका अज हिंदू धर्म सारी दुनिया ते जिहड़ा है वह चढ़दी कला नाल विचर रहा है। बड़ा सोहना एक कालम दे दो बोल हन कि छड़ के तुर चलिया नगरी वसदी नूं कीता प्यार ना अपने मासूम दे नाल, जंजू झूमदा है तेरियां आंदरां नाल, टिक्का टहकदा है तेरे खून दे नाल। टिक्के दी लाली गुरु तेग बहादुर जी दा खून है और जनेऊ दी महान बरकत जो सनातन मत नूं प्राप्त है वह गुरु तेग बहादुर साहब जी दियां पावन पवित्र नाम अमृत नाल भरिया हुई नसां दी तरह है। सतगुरु मेहर करे असी सारा सिख जगत और अज बहुत सारे हिंदू वीर भी इत्थे तख्त पटना साहब विखे नतमस्तक होए हन और श्री गुरु तेग बहादुर जी नूं उन्होंने उन्हां दा शुकराना करदिया होया श्रद्धा दे सुमन अर्पण कीते ने। मैं एबीपी सांझा राही आप सारिआं नूं इह संदेश पहुँचाउण विच जिन्हां ने सहायता कीती है, एबीपी सांझा दा वी मैं धन्नवादी हाँ जिन्हां ने यह उपराला कीता। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जिन्हां दी अवस्था उस वेले 9 साल दी सी, पुछया पिता जी ये क्यों रुदन कर रहे हैं, तो सतगुरु जी ने आख्या लाल जी धर्म खतरे विच है इन्हां दा, किवें धर्म बचेगा। आपने फरमाया कोई महापुरख अपना बलिदान देवे धर्म दी राखी होवेगी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने फरमाया फिर तां ये ठीक जगह आ गए हैं, आप नालों वड्डा महापुरख इस संसार विच होर कौन है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज वर्गा पुत्र नहीं लभ्या जा सकता, गुरु तेग बहादुर जी जैसा पिता भी नहीं लभ्या जा सकता। गुरु गोबिंद सिंह जी जैसा सपुत्र इसलिए नहीं लभ्या जा सकता कि वह धर्म की राखी लई अपना पिता कुर्बान करने लई तैयार हो गए। श्री गुरु तेग बहादुर जी लई ये शब्द इसलिए वरत रहे हैं कि उन्हां वर्गा पिता नहीं लभ्या जा सकता। उन्होंने ये नहीं कहा कि लाल जी मेरे ते हक, मेरी जिंदगी ते हक थोड़े माता गुजरी जी का भी है और मेरी माता माता नानकी जी का भी है। दो चार दिन इन्हां संत जना नूं ब्राह्मण जना नूं विश्राम देवो, सोहना भोजन देवो, रिहायश देवो, असी सलाह मशवरा करके फिर दस देवांगे। सतगुरु पातशाह
संसार ते धर्म की रक्षा सदा ही करते हैं। ठीकर फोर दलीस सिर प्रभ पुरकिया प्यान, तेग बहादुर सिख किरिया करी न किन्हु आन। तेग बहादुर के चलत पयो जगत को शोक, है सब जग पयो जय 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 सुरलोक। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिहाड़े मौके नगर कीर्तन भी सजाया गया, देखते हैं नगर कीर्तन दियां झलकियां। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। धन धन श्री गुरु तेग बहादुर जी का। अज गुरुद्वारा दिल्ली तो शीशगंज साहब तो जो उन्होंने शीस लैके आने ने, उन्होंने रूप में अज गुरु तेग बहादुर जी का नगर कीर्तन बड़ी श्रद्धा भावना नाल गुरसिख संगत चल के कीरतपुर साहब की धरती तो श्री शीशगंज साहब गुरुद्वारा विखे समाप्ति होगी। नगर कीर्तन बड़ी श्रद्धा भावना नाल संगत मना रही ने। अज श्री गुरु तेग बहादुर नवे पातशाह जी का शहीदी दिहाड़ा मनाया जा रहा है। बाणगढ़ साहब कीरतपुर तो साहब तो नगर कीर्तन निकल रहा है, आनंदपुर साहब जाएगा शीशगंज साहब और गुरु का लंगर टुट वरतेगा। अज गुरु तेग बहादुर का शहीदी गुरपुरब है, जो कि नगर कीर्तन बवानगढ़ कीरतपुर साहब तो चल के आनंदपुर साहब के होर रस्ते होया कोटला नीलकिला आनंदगढ़ साहब तो हुंदा होया, जो कि गुरुद्वारा शीशगंज साहब पहुंचेगा। जैता जी गुरु तेग बहादुर का शीश समुची संगत नवे पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहब का शहीदी नगर कीर्तन जिहड़ा कि गुरुद्वारा विमानगढ़ साहब कीरतपुर साहब का शुरू होया गुरुद्वारा शीशगंज साहब दे विच तक इन्हे जाना है। अज सारी संगत अज नवे पातशाह की कुरबानी नू याद करते हुए इस नगर कीर्तन के रूप के विच आनंदपुर साहब वल नू जा रही है और असी गुरु तेग बहादुर साहब की कुरबानी जिन्हां नू आपां हिंद की चादर धर्म की चादर करके भी जानते हैं, सो बहुत वड्डी कुरबानी गुरु साहब ने भाई मती दास भाई सती दास भाई दयाल दास जी ने एक कुरबानी की है, साडा मार्गदर्शन किया और अज असी खालसा स्कूल का बैंड इस नगर कीर्तन के शामिल असी हो रहे हैं। विभागे हैं जी सा हाजरी नौवे पातशाह के चरणों के लग रही। श्री गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिहाड़ा मनाया गया, इस मौके सिख श्रद्धालुओं ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के वलों दिती गई शहादत को सिजदा किया। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। अज साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब हिंद की चादर जो दिल्ली विखे चांदनी चौक में अपना शीस बलिदान दे के सानू सिखां नू हिंदू धर्म नू दी रक्षा की और सानू अपनी जिंदगी जीन का मकसद दस्या, पर बाणी बाणी ना जोड़िया। मैं सारी संगतां नू अपील करदा कि बाणी बाणी ना जुड़ो, गुरु साहब का जस गाओ और गुरु तेग बहादुर साहब जी दी खुशियां प्राप्त करो। अज धन धन साहब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज हिंद की चादर नवे पातशाह जिन्होंने बहुत बड़ी शहादत दी, क्योंकि उस टाइम के विच जबर ते जुलम बहुत औरंगजेब कर रहा सी। दसवें पातशाह की उम्र उस टाइम 9 साल का सी जदों अपने पिता नूं कहता कि तुसी जाओ दिल्ली दे विच शहादत दिओ, शहादत दे के अपने हिंदू धर्म नूं बचाना है अते सिख धर्म जो अपना कायम करना है। सो दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने उस टाइम उन्होंने हुक्म किया कि जाओ तो शहादत दिती है। धन धन गुरु तेग बहादुर जी है हिंदी चादर जिन्होंने हिंद की चाद हिंदा नूं बचाया। उस टाइम गुरु तेग बहादुर जी महाराज का जो संस्कार है जो दिल्ली के विच होया उस तरह जो शीश का संस्कार हैगा वो आनंदपुर साहब का कोई दुनिया का यहोजा पीर पैगंबर नहीं है जिहदा संस्कार 2 जगह हो। धन धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज सन जिन्हों का संस्कार 2 जगह पर होया। धन धन श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज से असी सारी उम्र ऋणी रहेंगे जिन्होंने हिंद नूं किया, सारे जो मुसलमान भी सी उन्हों का भी जो मतलब उन्होंने सहयोग धरता दिता है पर औरंगजेब का माण तोड़िया है, जिस माण के नाल उन्होंने अज औरंगजेब नूं अज कोई पुछदा नहीं है, पर इन्हों के बड़े नगर कीर्तन निकाल दिया है। संगत आनंद कीरतपुर साहब तो शांति के नाल तुरदियाँ पैदल सतना वगैरह जाप करदियाँ करदियाँ इतने आनंदपुर साहब आदि है। सो सारिया संगतों का मीडिया वाले का बहुत धन्यवाद।
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु। अज का जो बड़े अफसोस ना कहना पैंदा कि धन धन गुरु तेग बहादुर साहब जी ने औरंगजेब वालों जुलम दे दी तलवार दे नाल उन्हां दी शहादत की। गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत तो बाद रगरेटा गुरु का बेटा भाई जीवन सिंह जी गुरु महाराज का सीस लैके दिल्ली तो आनंदपुर साहब पहुँचा। कीरतपुर साहब जदों पहुँचा उतों सुनेहा भेजा संगत आनंदपुर साहब तो गुरु गोबिंद सिंह जी के नाल कट्ठिया हो के शब्द गायन करदियां करदियां आनंदपुर साहब गुरु तेग बहादुर साहब का सीस नूं बवान साहब विच रख के लैके आए अते शब्द गायन करदियां संगत आनंदपुर साहब पहुँचिया अते नाल ही गुरु तेग बहादुर साहब के सीस का संस्कार आनंदपुर साहब जिथे अज गुरद्वारा सीसों साहब सुशोभित है उत्थे संस्कार किया गया। इस करके अज के जो दिन से संगत ये बड़े बुझे जे मन नाल ये सारा कार्य कर रही हैं क्योंकि अज का अज की शहादत दुनिया के किसी भी कोने कोने से चल जाइए कि भी यहोजी शहादत नहीं मिलती जिथे आप जो गुरु तेग बहादुर साहब औरंगजेब के कोल गए अते उन्हां नूं अपने आप नूं पेश किया कि जेकर मैनू तू मुसलमान बना लवेगा तो सारी दुनिया मुसलमान बन जाएगी पर जेकर तू मैनू मुसलमान नहीं बना सकिया तो ये तेरा धर्म भी खतरे में है। ये गल कह के गुरु तेग बहादुर साहब जी ने औरंगजेब नूं बंगारिया औरंगजेब ने गुस्से जाके शहादत का हुक्म दिता। सो गुरु तेग बहादुर साहब की अज की शहादत प्रणाम करते हैं अज की शहादत गुरु तेग बहादुर साहब के प्रणाम करते हैं। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतह। गुरु तेग बहादुर जी के शहीद के गुरपुरब के आनंदपुर साहब के हमेशा ही नगर कीर्तन बड़ी चढ़ती कला में निकलता रहा तो संगतों के बड़ा उत्साह है इस नगर कीर्तन का स्वागत करन लई। गुरु तेग बहादुर जी की वरसाई हुई इस नगरी के इस तरह के नगर कीर्तन खालसे की चढ़ती कला का प्रतीक है। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। गुरु नानक साहब जी के नौवीं जोत के मालक धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का अज शहीदी गुरपुरब आ समुचे सिख जगत अंदर मनाया जा रहा है क्योंकि गुरु तेग बहादुर साहब महाराज की शहादत बहुत वड्डी है। 1675 ईस्वी में चांदनी चौंक में श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज की शहादत हुई है दूजियां दे धर्म नूं बचाउण दी खातर। साध संगत जी किड्डी वड्डी कुरबानी है। कल्ली गुरु तेग बहादुर साहब जी की कुरबानी नहीं नाल उन्हां दे सिख भाई मतीदास जी भाई सतीदास जी भाई दयाला जी की भी कुरबानी हुई है। ये बहुत वड्डी शहादत है। सानू गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत तो कोई सिक्ख्या लैनी चाहिए है क्योंकि गुरु तेग बहादुर साहब महाराज अपनी बाणी विच कहिंदे ने पैका हूँ को देत नै नै पै मानत आन कहो नानक सुन रे मना ज्ञानी ताए बखाण। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ये बचन करते ने ना किसी तो डरो ते ना किसी नूं डराओ ना किसी ते जुल्म करो ते ना जुल्म सहो। महाराज ने उस समय दे बादशाह औरंगजेब दे अगे वो झुके नहीं। महाराज ने आख्या किसी नूं जबरदस्ती असी जिहड़े किसी धर्म तब्दील नहीं कर सकते भावें कि महाराज उन्हां दे सिधांतां दे नाल उन्हां दा इरादा नहीं सी पर गुरु तेग बहादुर साहब ने फिर भी शहादत दित्ती है। अज गुरु तेग बहादुर साहब महाराज की जिहड़ी शहादत है उन्होंने पूर्दियां दे चल के सानू उन्हां दी विचारधारा नूं अपनाउणा चाहिए समुचे सिख जगत अंदर गुरु तेग बहादुर साहब जी का अज शहीदी दिहाड़ा मनाया जा रहा है। तिलक जनू राखा प्रभताका कीनो बडो कलू मैं साका ऐसे दीन दयाल सतगुरु साहेब श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज जी का शहीदी दिहाड़ा समुचे विश्व के अंदर बहुत श्रद्धा और सत्कार के नाल मनाया जा रहा है। अज श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी तख्त श्री केसगढ़ साहिब अते श्री आनंदपुर साहिब के समूह इलाका निवासी साध संगत के सहयोग के नाल गुरद्वारा बेबानगढ़ साहिब तो नगर कीर्तन के रूप के संगत जिस तरह हर साल की तरह क्योंकि हर साल सतगुरु पातशाह महाराज जी का ये शीस मार्ग जो नगर कीर्तन है वह गुरद्वारा बेबानगढ़ साहिब तो आरंभ हो करके गुरद्वारा अकाल बुंगा साहिब गुरद्वारा शीसगंज साहिब के समूह के उत्थे समाप्ति हुंदी है।
आनंदगढ़ जिले के भी इसका जो है भरव स्वागत किया जाता है नगर कीर्तन का। नगर कीर्तन अपने पहले पड़ा जिस तरह गुरुद्वारा गुरु हर राय साहब कोटला पावर हाउस उपरंत कार सेवा डेरा बीड़ बाबा बुढ़ा साहब बाबा दर्शन सिंह जी तिना दे स्थाना तो हुंदा होया गुरु तेग बहादुर कॉलेज उपरंत विधि चंद छीना गुरु का सीना बाबा अवतार सिंह जी विधि चंद सुर सिंह वाले महापुरखों के पड़ावों तो हुंदा होया कार सेवा वाले महापुरखों के पड़ावों ते गुरद्वारा किला आनंदगढ़ साहब तो हुंदा होया नगर कीर्तन की समाप्ति जो है वो गुरद्वारा अकाल बुंगा साहब गुरद्वारा शीशगंज साहब विखे होवेगी। अज ही जो पिछले दिनों तो आरंभ होई जो संध्या वेले जो कि शब्द कीर्तन चौंकी रूप के अंदर संगत नगर की परिक्रमा करदे होया साहब श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज जी को याद कर दिया हन वो इस संगत उत्थों एकत्र हो करके नगर कीर्तन के नाल ही समूहक रूप के साहब श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज जी की गुरबाणी का जाप करद होन करद हो गुरद्वारा अकाल बुंगा साहब विखे संध्या वेले समाप्ति होगी। गुरु तेग बहादुर जी की शहादत लासानी शहादत है जिसकी संसार की किसी शहादत नाल तुलना नहीं की जा सकती। गुरु साहब तो कश्मीर के पंडितों का विश्वास कि यह सानू निजात दवा सकते हैं जिहड़ा साडा बहुत बड़ा संकट है अपने आप विच समुची मानवता का धर्म वल विश्वास की एक उत्तम उदाहरण है। अज कीरतपुर साहब तो जो नगर कीर्तन आ रहा है श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज आनंदपुर साहब का समूह स्टाफ विद्यार्थी इलाके के पतवंत सज्जन उस नगर कीर्तन के स्वागत लिए एकत्र होए ने। तो गुरु तेग बहादुर जी का समुचा जीवन एक मिसाल है मनुखता लई किवें दूजियां दे जीवन नू उपर चुकन लई उनू बचाउन लई किवें किरदार होना चाहिए है। तो मैनू लगता है कि इस दे नाल दी कोई उदाहरण नहीं मिलती। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिहाड़े मौके तख्त श्री केसगढ़ साहब नतमस्तक होए। नाल ही चरणजीत सिंह चन्नी ने आनंदपुर साहब के लिए कई प्रोजेक्ट्स का भी ऐलान किया। जो गुरु साहब की शहीदी है उसने जो संदेश दिए उन्होंने संदेशों से हिंदुस्तान का संविधान निकले। बाबा अंबेडकर जी ने उन्होंने संदेशों से सैकुलरिज्म जिहड़ा देश को दिता संविधान वो जी मुख भावना है वो उस तो आई है कि सारे धर्मों का सन्मान करना है सारे धर्मों के लोगों को अपने धर्म के पक्के रहने का हक है। ये साडा संविधान ने दिता है। ये गुरु तेग बहादुर जी की सिक्ख्या से जो अंबेडकर जी ने जवाहरलाल नहरू ने कंस्टिट्यूएंट असैम्बली ने साडे देश के लीडर ने कांग्रेस पार्टी ने पंजाब में दिती है पर गुरु तेग बहादुर जी की शिक्षावां उन्होंने सिक्ख्यावां उन्होंने जीवन दीधा उन्होंने तो सीध लेके असं अपना जीवन जीए तो साडा जीवन है जिहड़ा वो सफल हो सकता है कि असं एक सफल जीवन जी के जा सकते। सो अज असी सरकार वालों ये दिहाड़ा मनाते हुए इतने एक नेचर पार्क का असी नींव पत्थर रखे जिदे जेड़े दरख्तों का गुरु ग्रंथ साहब के वर्णन है उन्होंने सारे अच्छे असी लगाया गया। तो मैं ये भी ऐलान करना कि इस नेचर पार्क का नाम भी श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर रखा जाए। ये खर्चा आएगा इस इतने की बिजली के खर्चे वास्ते बिजली वास्ते एक मेगावाट का सोलर प्लांट 4,16,00,000 रुपए के लिए खर्चा आएगा वह असी नींव पत्थर रखे। इस गुरु तेग बहादुर जी का जो म्यूजियम है वो 1.5 करोड़ रुपया लगा के असी उसकी अपग्रेडेशन करा तो भी नींव पत्थर रखा गया। तो 2 करोड़ रुपया भाई जैता जी के मेमोरियल वास्ते अज मैं दे के जा रहा जिदे नाल उन्होंने मेमोरियल कंप्लीट करना है।
स्पीकर डिप्टी स्पीकर साहब ने कहा उत्थे बुत भी स्थापित कर रहे हैं, जो जो भी ये कहेंगे वो असीं करांगे। ते नाल नाल मैं क्योंकि भाई जैता जी का जीवन है जिहड़ा वो गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोबिंद सिंह जी के जीवन तो पक करके भी देखा जाता, उन्होंने महान कुर्बानी पता होवे कि मैं मौत दे देनी है कि पता मैं फड़िया गया फिर भी सी चके गए फिर इतने सिंह सजे तो फिर गुरु साहब के नाल ही शहीदी दे नाल जाके ही रस्ते च लड़ाई शहीदी पाई। उन्हें भी ऐसी अच्छ पंजाब सरकार वालों डिक्लेयर कर रहे कि जो उन्होंने जन्मदिन आएगा तो उस दिन भी छुट्टी होया करेगी। मान्योग स्पीकर साहब इस इलाके की नुमाइंदगी भी करते, मेरे तो बड़े भाई है, अगाह वधू आगू है, मैंने मौके मौके से गाइड करते रहते हैं। जिस तरह किसी को उंगली पड़ के चलाई है इस तरह इन्होंने मैं राजनीति के लिए चलाया। जब मैं आजाद जितया जल भी मेरी मदद की, फिर मैं पार्टी भी आना सी तो इन्होंने मैनू उस समय दे साडे लीडर से उन्होंने कह के पार्टी ज्वाइन कराया दोबारे, क्योंकि आजाद लड़के एक बार छड़ दिंदे आ पार्टी ते फिर दोबारे पार्टी च आना पैंदा। ते हमेशा बात समय समय ते इन्होंने मैनू गाइड किया। अज भी विधानसभा के स्पीकर रुतबा मेरे नाल उन्हां दा वड्डा है, ते जो ये कहण वो इसी हल्के दे विच करने नूं तैयार है। सरकार इन्हां दी है, मैं तां खाली कागज पर साइन करने पर रोमा जी अच्छी जगह जिथे आम गरीब लोग मैं हर हर चीज करना चाहना वैसे, लेकिन शुरुआत कुदरती तौर पर अज गुरु तेग बहादुर जी के दिन तो आनंदपुर साहब की पवित्र धरती तो हो रही है। पंजाब और पंजाबियत की परछाई अब देखें एबीपी सांझा टाटा स्काई चैनल नंबर 1929 पर। एबीपी सांझा देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर से अभी संपर्क करें। एबीपी सांझा, जोश जज्बा जुनून।